कौन बनेगा करोड़पति दिन पर दिन चर्चा में बना हुआ है। कर्मवीर स्पेशल में जहां एक और सुनीता जैसी बहादुर महिला की कहानी सामने आई, वहीं हुआ कुछ यूं भी कि कंटेस्टेंट ने लेना चाही एक्सपर्ट की मदद, लेकिन एक्सपर्ट को ही सवाल का जवाब नहीं पता था और एक्सपर्ट की वजह से कंटेस्टेंट को, जो कि छत्तीसगढ़ के जालम साई थे, उन्हें अमिताभ बच्चन ने सवाल किया। इस सवाल का जवाब जालिम को नहीं पता था, इसलिए उन्होंने एक्सपर्ट लाइफलाइन का उपयोग किया और एक्सपर्ट के तौर पर वहां मौजूद थे राहुल देव, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है, और उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो वो भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए और कहा कि आप गेम से क्विट कर दें। इसलिए जालिम वहां से 6,40,000 ही जीत पाए और घर चले गए। वहीं कर्मवीर स्पेशल में सुनीता कृष्णन आई थी और उनके साथ हुई घटना के बारे में उन्होंने सभी को बताया था और अमिताभ ने उनके जज्बे को सलाम भी किया था। सुनीता महिलाओं के लिए काम करती है और सुनीता से महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के संबंध में जब सवाल पूछा गया तो उसमें एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का नाम भी शामिल था। ये सवाल बॉलीवुड में चल रहे मीटू अभियान से जुड़ा था, जिसमें तनुश्री दत्ता का नाम सामने आया और इसको लेकर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने तनुश्री की तारीफ की और कहा कि वो एक बहादुर लड़की है। इस पर तनुश्री दत्ता ने अमिताभ का आभार जताया। आपको बता दें कि तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर बदतमीजी और छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे। तनुश्री दत्ता ने कहा था कि 2008 में फिल्म हॉर्न प्लीज की शूटिंग के टाइम इंटीमेट होने की नाना पाटेकर ने उनके साथ जबरदस्ती कोशिश की थी। इस घटना के बाद और ये आरोप लगने के बाद नाना पाटेकर ने हाउसफुल 4 से कदम पीछे हटा लिए थे। हालांकि सबूत नहीं मिलने की वजह से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। जब केबीसी में इस बात का जिक्र हुआ तो अमिताभ बच्चन ने तनुश्री की तारीफ की और उन्हें बहादुर कहा। कुल मिलाकर केबीसी इस बार जबरदस्त सुर्खियों में बना हुआ है।